Dear students, teachers, parents, and critics, welcome to the digital lessons of class 12th English presented by the CTOR group and ELTI Rajasthan Bikaner. We have tried to present our aims and objectives in preparing these lessons in the form of a few expected questions from your side and our answers thereby. हाँ तो बच्चों, आपके सामने ये जो डिजिटल लेसन्स आ रहे हैं ये आपको तीन अलग अलग फॉर्मेट्स में मिलेंगे. सबसे पहला फॉर्मेट है PPTM फॉर्मेट, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन का पूरा स्कोप है और ये उनके लिए हैं जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, चाहे स्कूल में या फिर घर पर. पर अगर आपका ICT स्कूल नहीं है और आपके पास कंप्यूटर घर पर भी नहीं है तो आपके लिए जो सेकंड फॉर्मेट है ये वीडियो फॉर्मेट, जो MP4 में या फिर AVI मोड में आपको मिलेगा, जो कि आप CD प्लेयर या DVD प्लेयर के सहारे TV को स्क्रीन बनाकर देख सकेंगे. ये TV पर जो लेसन्स आप देखेंगे ये थोड़ा कम इंटरैक्टिव है, पर इनको इंटरैक्टिव बनाना आपके हाथ में है क्योंकि TV का रिमोट कंट्रोलर आपके हाथ में है. जब चाहे आप लेसन को पॉज करें और एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ें. और आपके पास अगर CD प्लेयर भी नहीं है घर पर, तब आपके पास जो तीसरा फॉर्मेट अवेलेबल है ये MP3 फॉर्मेट है. जिस तरह से आप मोबाइल में गाने सुनते हैं उसी तरह से लेसन्स को सुन सकेंगे. पर MP3 फॉर्मेट अगर आप यूज़ करें तो ध्यान रहे कि एक जगह टिक कर बैठ जाए और अपने हाथ में टेक्स्ट बुक ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर विजुअल नहीं है, आप केवल सुन पा रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक से आप देखेंगे और नोटबुक रखें एक्सरसाइज करने के लिए. इसको मजाक में ना लें और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं. इस तरह से आप इन तीनों फॉर्मेट में से जो भी आपको सुविधाजनक हो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम देखें कि इन लेसन्स को PPTM फॉर्मेट में कंप्यूटर पे कैसे यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं चलाने में. आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करें या फिर Ctrl+Enter दोनों को एक साथ प्रेस करें तो आप इस व्यू में आते हैं और इसको हम कहते हैं पावरपॉइंट शो व्यू. नॉर्मल व्यू से पावरपॉइंट शो व्यू में आ गए हैं. अब इसके बाद आप ज़रा स्क्रीन के नीचे की ओर देखें, यहाँ पर कुछ आइकॉन्स हैं. यही वो आइकॉन्स हैं जो लेसन को इंटरैक्टिव बनाते हैं. साउंड आइकॉन, पैसेज आइकॉन, विजुअल, नोट्स, रिकॉर्डिंग, क्वेश्चंस, हिंट, आंसर्स, एक्टिविटीज़, होम एंड एग्जिट. अगर आप इस साउंड आइकॉन को प्रेस करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पर टीचर की आवाज़ में जो रिकॉर्डिंग है आप उसको सुन सकते हैं, जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं. और ये पी पैसेज को आगे बढ़ाने के लिए, जब आप फर्स्ट टाइम लेसन को रीड करते हैं तो आप केवल पी को फॉरवर्ड करते हुए लेसन को कंटिन्यूएशन में एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें. फर्स्ट राउंड में आपको आंसर्स नहीं करने हैं, केवल पूरे लेसन को एक साथ समझने की कोशिश करनी है. इस तरह से पी फॉरवर्ड या बैकवर्ड से आप आ सकते हैं. जब आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी तो आप सेकंड रीडिंग में सीधे स्लाइड नंबर 8 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारा लेसन का मेन पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ पर पैसेजेस को हमने 8 के मल्टीपल्स में डिवाइड किया है और 8 पर जो पैसेज हैं इससे रिलेटेड विजुअल्स आपको 9-10 पर मिलेंगे, परंतु वी पर क्लिक करने के बाद मिलेंगे. और नोट्स आप 11-12 पर लेंगे और 13-15 ये तीनों क्वेश्चंस के लिए हैं. और फिर 16 आपका नेक्स्ट पैसेज है. इस तरह से तो हम फर्स्ट पैसेज की बात करें, यहाँ से आप रीडिंग करेंगे और रीडिंग में प्रॉब्लम हो तो साउंड आइकन क्लिक करके टीचर की आवाज़ को सुनेंगे. फिर कुछ वर्ड्स जो हमें लगे हैं कि शायद आपको डिफ़िकल्ट हो सकते हैं तो हमने उनको पहले से हाईलाइट करके जहाँ तक हो सके उनके विजुअल्स देने की कोशिश की है. इनके विजुअल्स के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा वी पर.
ये वी से आप विजुअल्स में पहुंचेंगे। हर एक पैसेज के साथ दो स्लाइड्स के विजुअल्स आपके पास हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद फिर पैसेज में आते हैं आप। अब अगर आपको कुछ और डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको आप नोट करना है, तो आप इस एन पर क्लिक करें और यहाँ पर पॉइंटर यूज़ करके आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। डाउट्स भी लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखें। पॉइंटर कहाँ से मिलेगा? स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करें और पेन सेलेक्ट करें। ये आपका पेन आपके हाथ में आ गया है, आप जो चाहें आप आराम से लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब आपका ये काम हो गया है तो फिर से इस पेन पर जाकर आप एरो को ले लें, आपका पॉइंटर फिर से एरो में कन्वर्ट हो गया है। ये एक नोट्स लेने का एक स्लाइड है, और इसके अलावा एक और स्लाइड है जहाँ पर टी लिखा है, टाइप रिटन नोट्स। यहाँ आप कीबोर्ड के सहारे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप नोट्स ले सकते हैं। दो स्लाइड्स आपके नोट्स के लिए हैं। उसके बाद आप फिर से पैसेज में आ जाएं। जब आप इसको पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, विजुअल्स भी देख चुके हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर चुके हैं, तो इसका मतलब आपको ये पैसेज क्लियर है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, तो क्यू पर क्लिक करें। एक स्लाइड में दो क्वेश्चंस और हर एक पैसेज के तीन स्लाइड्स, यानी कि 6 क्वेश्चंस आपके पास अधिकतम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर करने हैं, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अब आंसर करने के लिए आपको अगर फिर से पैसेज में जाने की ज़रूरत पड़े तो स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में बल्ब पर क्लिक करें। ये हिंट है, आपको पैसेज में ले जाता है। पढ़ लें, फिर क्यू पर आ जाएं, फिर डाउट हो तो फिर बल्ब पर क्लिक करें, फिर क्यू पर आ जाएं। और जब आप क्लियर हैं अपने आंसर्स को लेकर, तो यहाँ टाइप करें। और इसके बाद यहाँ पर जो की का आइकन मिल रहा है, इसको क्लिक करें तो आपको टीचर के सजेस्टेड आंसर मिलेंगे, जिससे कि आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे और अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उनको करेंगे, उनको डिलीट करके आप दोबारा लिख सकते हैं। इस तरह से आपके एक स्लाइड के दो क्वेश्चन हो गए हैं, एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड है, और इनमें से कभी भी आप वापस पैसेज में जा सकते हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पी पर क्लिक करेंगे तो सेकंड पैसेज 16, 8, 16, 24, 32 ये पैसेज नंबर्स हैं, और उससे रिलेटेड विजुअल्स, नोट्स और क्वेश्चंस उसके बाद में। इस तरह से जब आपका लेसन कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं स्लाइड नंबर 88 पर ये क्वेश्चन लेसन कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद आप अगले पैसेज के लिए क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुँचेंगे एक्टिविटी पर, और ये एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है तभी आपकी लैंग्वेज स्किल्स परफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने के लिए एक्टिविटी पर क्लिक करें, और कई बार एक्टिविटी में रिलेटेड विजुअल्स को देखने होते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक वीडियो देखना है, तो ये आप वीडियो इस तरह से देख सकते हैं। ब्लैकस्मिथ के दुकान पर या उसके फैक्ट्री में जो प्रोसेस होते हैं वो सारी यहाँ पर दे रखी है, और फिर से आप यहाँ से एक्टिविटी में पहुँचे और आपको ये प्रोसेस लिखना है, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। और ये जो नेक्स्ट आइकन आप देख रहे हैं, ये होम आइकन है। आपको लेसन के बीच में कभी कोई डाउट हो कि कैसे इस लेसन को चलाएं, तो फिर से होम पर आइए, तो आप ये पढ़ सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस लेकर लेसन चला सकते हैं। और लास्ट का जो आपका आइकन बच रहा है वो है होम आइकन, सॉरी क्विट आइकन, एग्जिट आइकन। लेसन तब तक पढ़े जब तक आपका इंटरेस्ट लेवल बरकरार है, और जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए तो इस तरह से क्विट बटन को क्लिक करके लेसन के बाहर आ सकते हैं। तो ये है आपका इंटरेक्टिव लेसन्स को पढ़ने का अपना तरीका। और ये PPTM लेसन्स पढ़ने का तरीका है, और वीडियो लेसन्स आप नॉर्मली जिस तरह से वीडियोस देखते हैं, जहाँ चाहे पॉज करें, जहाँ चाहे एक्टिविटीज़ करें, जहाँ चाहे क्विट करें। सो बेस्ट ऑफ लक, ये 10 मिनट्स वीडियो आपको कंट्रोल गाइड के नाम से मिलेगा।